सारे सज्जणां ते बेलियां नूं सलाम। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत नाल होवोगे। अज मैं पिंड च अपने एक दोस्त दे घर गया ते जिवें मैं उन्हां दे घर दे अंदर वड़िया ते ऐ सामने उन्हां दा कुत्ता सी। गेट तों उन्हां मैनूं लिया ते कुत्ते दे कोल लै गए। ये बुली कुत्ता ते मैं कदी उन्हां दे घर च वेख्या नहीं सी। मैं पुछया भी कित्थों लै आए। तो उन्होंने पहलों तो उन्होंने उठाने की कोशिश की, मेरी जगह पर थोड़ा पानी छानी मारी, गर्मी बहुत है, मैं दोपहर का टाइम है, तो बहुत लागर लग रहा कुत्ता। लेकिन उन्होंने कोशिश की भी उसकी जगह पर पानी छानी मार के ठंडा किया जाए। तो तुम वेख सकते हो कि सामने टुर के आ रहा, बहुत ही जी सूरत हाल है एड्डी चंगी नहीं है। तो मैं उन्होंने पूछा भी है कितों लभ लिया है बई, पसलियां निकलियां ने, बहुत लागर लग रहा। तो पहले उन्होंने घर च है नहीं सी। मेरे पूछण के बाद उन्होंने जी कहानी तुम सुनाई वह तुम उन्होंने मुँह जबानी होना सुनवाने, लेकिन तुम जानवर वेखो बड़ा खूबसूरत ब्राउन रंग का नस्ली बुली कुत्ता, लेकिन सेहत वालों बहुत ही माठा। तो आओ उन्होंने गल करते हैं भी किवें होया। हाँ जी भाई, ना ये कितों लै आंदा जी कुत्ता? ये सर मैं एक डेरे ते गया सा, यार दोस्त सी, उस डेरे ते कुत्ता सी बजा, लेकिन वो बड़िया लड़ाइया लड़ते रहे ने, बडेरा हो गया, उन्होंने इनू खुराक नहीं दीती ते बहुत माड़ा हो गया। मैंने इतने तरस आया भी एडा अच्छा जानवर उन्हें रखिया है ते इहदी सामनी कर दे। तो मैं फिर उन्होंने को लै आया सा, तो बस हूँ मैं कोशिश करांगा भी इनकी खुराक अच्छी कर सकाँ, तो इनू वापसी उस मुकाम तक लिया सकाँ भी, ताकि इसकी सेहत अच्छी हो सके। लेकिन लड़ाई नहीं करवानी, मैं शौक करांगा इहदा, बस इन रखांगा ते शौक करांगा। लो जी, तुसीं दोस्त दी गलबात सुनी, बड़ा अच्छा काम है कि उन्होंने इनू बचाण दा ते इनू सेहत इहदी बनाउण दा फैसला कीता। ते खुदा करे कि सेहत च वापस आए, शौक नाल इनू रखना चाहुंदे ने, ते रब उन्हां दा शौक पूरा करे। तो आओ हुण मैं तुहानूं अपने डंगर विखाना। ए जनाब तीन गाइयां ने, दो गाइयां ते एक वैड़ी है। तो यह गाई जिहड़ी सेंटर वाली है, बस सूण वाली है कुछ दिनों तक, वह वड्डी गाई है। तो बस इन्हां नूं वी गर्मी दा करके टारे थले बन्ने आ। यह जी छोटी वैड़ है, यह बच्चा जी मेरा, तो इनू बाहर दरख्त थले बने है। बड़ा अड़ा वे, दोवें पासे रस्सा पा के इनू बने है। तो बहुत जरा ना गुस्सा भी करता है, लेकिन यदि सामने जब भेडू बैठा है ना, ये ना बहुत बनती, एक दूजे लागे रेंदे ने, एक दूजे ना मत्था भी टकराते रेंदे ने, लेकिन रेंदे लागे। ए बस शौक ना रखे इन, बड़े मेहनत करके जरा ना इतनी खुराक वगैरह करी दी है। तो ऐ वेखो जी सामने भेडू है, उन्हें रहना भी इधर लग गई। तो एक दूजे ने जरा ना उन्होंने अपने जोर अजमाई भी विखाता रहता, भेडू डरदा डुरदा नहीं वो तो। वेखो चंगा जी, अज की मुख्तसर वीडियो।